अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्वागत है आपका स्मार्ट किचन में। तो आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे। तो चलिए आज की रेसिपी हम शुरू करते हैं। आज हम बनाने वाले हैं शाही मटन कोरमा। तो यहाँ पर हमने 700 ग्राम के करीब मटन ले लिया और मटन को अच्छी तरह हमने धो लिया है। तो जिस चीज़ में हमें मटन को पकाना है तो हमने यहाँ पर प्रेशर कुकर लिया है और इसी में हमने मटन को धो कर रख लिया है। मटन को हम मेरीनेट करेंगे और इसी में हम इसे पका लेंगे। तो ये 700 ग्राम के करीब मटन है तो इसे हम रखेंगे एक तरफ। और अब मसालों को देख लेते हैं। मसालों में हमने यहाँ पर 10 से 12 बादाम, 10 से 12 काजू, 1 टेबलस्पून सफ़ेद तिल और 1 टीस्पून खसखस ली है। तो ये चारों चीज़ों को हम हल्का सा रोस्ट करेंगे और रोस्ट करके इसे पीस लेंगे, इसका पेस्ट बना लेंगे। पाउडर मसालों में 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1.5 टीस्पून नमक लिया है। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये चारों चीज़ों को रोस्ट करके इसे पीस लेंगे, इसका पेस्ट बना लेंगे। एक चम्मच के करीब हमने डाल दिया है लहसुन का पेस्ट और एक चम्मच डाल देंगे अदरक का पेस्ट और ये सारे पाउडर मसाले भी डाल देंगे और ये काजू बादाम का पेस्ट ये डाल देंगे और इसमें आधा कप के करीब डालेंगे हम दही। दही को अच्छी तरह हमने फेंट लिया है और दही आप यहाँ पर फ्रेश लें। तो बस ये सारी चीज़ों को कर लेंगे अच्छे से मिक्स। तो ये सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद में अब इसे हम रख देंगे आधा घंटे के लिए। इसे हम प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। अगर आप इसे बिना प्रेशर कुकर के बना रहे हैं तो फिर आप इसे 2 से 3 घंटे भी रख सकते हैं। तो इसे हम ढाँक कर रख देंगे आधा घंटे के लिए। कोरमे में कुछ साबुत मसाले भी जाएंगे। तो साबुत मसालों में हमने यहाँ पे लिया है 2 तेज पत्ते, 1 से 1.5 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1/2 पीस जावित्री का, 1 बड़ी इलायची, 1 टीस्पून काली मिर्चें और 4 से 5 लौंग, 1 टीस्पून शाहजीरा और 2 से 3 साबुत मिर्च। 4 मीडियम साइज की प्याज को हमने फ्राई कर लिया है तो ये फ्राई प्याज कोरमे में जाएगी। तो आप चाहें तो प्याज को ऐसे ही डाल सकते हैं फ्राई करके, या फिर आप इसे हल्का सा दरदरा पीस लें। तो हम इसे थोड़ा सा पीस कर डालेंगे और 1 कप हम मखाने लेंगे। मखानों को घी में हल्का सा रोस्ट करके जब कोरमा पूरा तैयार हो जाएगा तो ऊपर से हम इसे डालेंगे। 1 बड़ा चम्मच के करीब हम डालेंगे तेल और इसमें हम डाल देंगे ये साबुत मसाले और हरी मिर्च। बस ये सारे मसालों को हल्का सा टाका लेंगे और बस अब इसमें हम डाल देंगे ये मेरीनेट किया हुआ मटन। फ्लेम को हम यहाँ फुल पर रखेंगे और इसे थोड़ी देर भून लेंगे। तो 10 से 12 मिनट मटन को हमने अच्छी तरह भून लिया है और आप यहाँ देख सकते हैं कि मटन में अभी पानी है। अभी हम इसे गलने रखेंगे तो इसमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। तो इसमें हम 1/2 कप के करीब पानी डालेंगे। बस अब हम लगा देंगे इसकी लीड। तो फ्लेम को हम मीडियम टू हाई पर रखेंगे और इसमें हम 3 से 4 सीटी लगा लेंगे। ये मटन पहले से मेरीनेट है तो इसे गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आपको लगता है कि मटन गलने में थोड़ा टाइम लगेगा तो फिर आप थोड़ा सा टाइम और बढ़ा दें। तो बस यहाँ पर फ्लेम को हम मीडियम टू हाई पर रखेंगे और इसे पकने देंगे। तो ये देखिए मटन भी अच्छी तरह गल गया है। अब यहाँ गैस को हम चालू करेंगे और इसे अच्छी तरह भून लेंगे और इसमें हम डाल देंगे ये फ्राई प्याज, इसे हमने तरदरा पीस लिया है, और 1 टीस्पून के करीब कसूरी मेथी और ये सारी चीज़ों को अब अच्छी तरह हम भून लेंगे। तो ये देखिए मसाला अच्छी तरह भून गया है और आप देख सकते हैं कि मसाला ये दानेदार दिखने लगा है। अब इसमें हम डालेंगे मलाई। मलाई की जगह आप क्रीम भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम डालेंगे 2 टेबल स्पून के करीब मलाई। मलाई डालकर 2 से 3 मिनट और पका लेंगे। मलाई डालकर 1 से 2 मिनट हमने इसे पका लिया है। अब इसमें हम डालेंगे पानी। तो ग्रेवी आप अपने हिसाब से देख लें क्योंकि हम यहाँ कोरमा बना रहे हैं और कोरमे में पानी बहुत कम रहता है। तो इसमें हम 1 कप के करीब डालेंगे पानी। तो कोरमे को हम यहाँ बहुत पतला भी नहीं रखेंगे और बहुत गाढ़ा भी नहीं रखेंगे क्योंकि ये ठंडा होता है तो फिर और ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। तो अब यहाँ हम फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देंगे और इसे हम 8 से 10 मिनट ढाँक कर पका लेंगे। थोड़ी देर ढक कर पकाने के बाद में ये देखिए मटन कोरमा बनकर तैयार है। अब यहाँ पर हम डालेंगे मखाने और मखानों को हमने हल्का सा घी में रोस्ट कर लिया था और एक बार इसे करेंगे मिक्स। मिक्स करने के बाद में अब इसे हम ढक देंगे और गैस को भी हमने बंद कर दिया है और 2 से 3 मिनट के बाद में इसे करेंगे हम डिसआउट। तो ये देखिए बहुत ही मजे का ये कोरमा दिख रहा है और बहुत टेस्टी ये कोरमा बना है। आप इसे तंदूरी रोटी के साथ, नान के साथ या फिर सिंपल रोटी के साथ खाएं, ये बहुत ही मजे का बना है। तो रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। रेसिपी पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।